स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। इतने बदमाश पकड़े कि जेल के बाहर लंबी लाइन। राजधानी में बैक टू बैक मर्डर के बाद एक्शन मोड में पुलिस। गलियों में घुसकर 190 बदमाशों को दबोचा। रायपुर में बड़े चाकूबाजी के मामलों के बीच पुलिस ने फिर से अभियान चलाया है। SSP प्रशांत अग्रवाल अफसरों और जवानों की टीम लेकर सड़क पर उतरे। संवेदनशील इलाकों में खुद अफसरों ने गलियों में घुसकर बदमाशों को पकड़ा। पुलिस ने बीते दो दिनों के अभियान में 190 बदमाशों को पकड़ा। अब जब इन्हें जेल भेजा गया तो बाहर इनकी लंबर लाइन लग गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शहर के सभी थाना प्रभारियों को अपने थाने के स्टाफ के साथ गश्त करने कहा गया है। अड्डेबाजी करने वालों, उत्पात करने वालों, बदमाशों, शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश हैं। बीते 24 घंटों में ही जब पुलिस के अफसर बदमाशों को पकड़ने निकले तो चाकू तलवार लहराकर लोगों के बीच धौंस जमाते दो बदमाश पकड़े गए। प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बेचते दो लोग मिले। संदिग्ध घूमते पाए गए कुल 55 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जुआ खेलने वाले 10 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रायपुर शहर के अलग अलग इलाकों से हत्या की वारदातों की खबरें आ रही हैं। बीते 5 दिनों में राजधानी में हत्या की 3 वारदातें हो चुकी हैं। पहला मामला खमहाड़ी इलाके का है। यहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच विवाद हुआ तो पीट पीट कर 10वीं के छात्र मोहन सिंह की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। दूसरा मामला बुधवार को सामने आया जिसमें डायल 112 के लिए काम करने वाली एक युवती को उसके प्रेमी ने ही चरित्र संदेह की वजह से हथौड़े से हमला करके जान ले ली। तीसरी घटना गुढ़ियारी की जहां एक इलेक्ट्रिशियन की सड़क पर चल रहे बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी।